आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मंसूर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें बुलाया, आज दिखाया कि जो बारामूला है ये चर्चा हुआ, लेकिन चर्चा के साथ साथ जब पहले खुशी का माहौल बना, बीच बीच में इसके लिए नाराजगी भी हमें मुलाजिम को दे दी गई। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन आधे मुलाजिम में है तो वो इसको दूर किया जाए, अगर कन्फ्यूजन लाहक है तो इसका इलाज किया जाए। दूसरा मामला हमारा है रिटायरमेंट एज ऑफ एम्प्लॉय, अगर चाहे हम यूटी हैं, हमें दिल्ली इसी प्लेटफार्म ने हल किए, उस वक्त कोई और का ही था, आज कोई और है, लेकिन प्लेटफार्म वही है, लोग वही है, स्ट्रंगत वही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो हमारे बर्निंग इश्यूज है वो सबसे पहले डेली वेजर्स और जो दिगर टेम्प्रेरी कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज है, वो चाहे डेली वेजर जो पीएचई में है, इरिगेशन में है, फॉरेस्ट में है या बाकी डिपार्टमेंटों में है, इसी तरह से रहबरी खेल है, रहबरी जंगलात है जो सिक्किमों में लगे हैं और गवर्नमेंट ने उनसे वादा किया था। एक तो ये मसले हैं कि रेगुलराइजेशन, दूसरा यहाँ पे वेज पॉलिसी नहीं है। किसी जगह एक डेली वेजर 50 रुपये पे काम कर रहा है, दूसरी जगह डेली वेजर 4000 पे काम कर रहा है, किसी जगह 10000 पे, किसी जगह 8000 पे। जबकि यूटी ऑफ लेह जो है, लद्दाख जो है, वो अभी कुछ साल पहले ही बना है, वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है। अगर वहाँ पे 18000 रुपये मिनिमम वेजेस है, सबके लिए एक ही स्केल है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है मिनिमम वेजेस, लेकिन वो हर एक के लिए एक वेज पॉलिसी के तहत हो और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो कि भाई अगर किसी को लगाया टेम्प्रेरी तो 8 साल 10 साल बाद उसको रेगुलर होना है। ये हमारे इशूज़ है। दूसरे जो हमारे मौके में जात है, जैसे JKRTC है, उसमें भी हमारे कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है जिनको रेगुलर होना था, 8 साल बाद नहीं हुए। इसी तरह से 7th पे कमीशन, अगर इस वक्त 99% डिपार्टमेंटों में है, लेकिन कुछ ऐसे मौके हैं JKRTC है, स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, वहाँ पे नहीं है। इसी तरह से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे प्लस टू लेक्चरर्स है। अब देखें कि इस सरकार में डेली वेजर से लेकर गेस्टेड अफसर भी सफर कर रहा है, उनकी स्टेग्नेशन है, जहाँ पर लगे हैं वहीं पे अभी तक है, गेस्टेड अफसर होने के बावजूद भी उनके लिए अभी तक प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं बन रहे हैं। इसी तरह से जो हमारे रहबरी तालीम है, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बन रही है। मियाँ क्या बोलते हैं इसको, कुपवारा में काम करता है और उसकी मिसेज अनंतनाग में है, जब पॉलिसी ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर तवज्जो दे कि एक पॉलिसी बनाए, जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय जम्मू बेस्ड है, जो कश्मीर में काम करें, उनकी अकोमोडेशन का मसला है, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी का मसला है, कुछ ऐसे मसले हैं जो सरकार 10 मिनट में हल कर सकती है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार जानबूझ के चाहती है कि मुलाजिम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक खलबशार पैदा रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हम उनके साथ दो दो हाथ करें सड़क पर या दूसरा कोई रास्ता इख्तियार करें एजिटेशन का, जो हमें कानून ने हक दिया है। हम चाहते हैं कि एमिकेबली और सेटलमेंट हो जाए। अब चूंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप फिर से आने वाला है और सरकारें बनेंगी इंशाल्लाह ताला, जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है। हम चाहते हैं कि जो नई सरकार किसी भी पार्टी की बने, वो मुलाजमीन को लेकर चले और मुलाजमीन के मसाइल को प्रायोरिटी पर हल करें।
आइसोलेटेड केसेस हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि है, लेकिन ये मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती ये चीज़। अगर किसी मौके में 2, 4, 5, 10, 50, 100 लोग होंगे, उनके लिए सरकार पे एक मैकेनिज्म ऑलरेडी इनफोर्स है, वो मैकेनिज्म अपना काम करेगा और उनको डील करेगा। जहाँ तक बेरोजगारी का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि सरकार जब भी यहाँ पे बने, जितने भी पोस्ट वैकेंट हैं, वो चाहे PHE में है, चाहे इरीगेशन में है, चाहे एजुकेशन में है, ट्रांसपोर्ट में, बहुत सारे हजारों पोस्टें वैकेंट है। अगर सरकार उन वैकेंट पोस्टों को फिल करेगी और पहली प्रायोरिटी डिलीवेजर्स को देगी, टेम्प्रेरी मुलाजमिन को देगी, मुझे लगता है यहाँ बेरोजगारी नहीं रहेगी। और दूसरा, मैं ये भी कहूँगा कि हर एक के लिए नौकरी पॉसिबल नहीं होती है, दूसरे वसाइल भी हैं, दूसरे स्कीमें भी हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग अपने लिए रोजगार कमा सकते हैं, अपना कारखाना डाल के, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के। लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, अगर सरकार वैकेंट पोस्ट को फिलअप करेगी तो मुझे लगता है बहुत बड़ा चंक जो है एजुकेटेड पर्सनस का वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। मैं एक चीज़ अर्ज करूँ, यहाँ पे ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ हर एक को हक है इलेक्शन लड़ने का, उसमें अनपढ़ भी लड़ सकता है और एजुकेटेड भी लड़ सकता है। ये खुशाइंद बात है, अगर कोई सुकारल लड़ेगा तो शायद सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेगा, तो वो वेलकम स्टेप है। लेकिन नाराज़ होकर इलेक्शन लड़ना मुझे नहीं लगता अक्लमंदी है, वो कन्विंस के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए, उसका ये जज्बा होना चाहिए कि मैं आवाम की खिदमत करूँगा, मैं डेमोक्रेसी को मजबूत करूँगा, मैं लोगों के मसाइल को हल करूँगा। नाराज़ होकर इलेक्शन लड़ना अक्लमंदी नहीं है। दूसरी बात यह है कि ईजैक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एमलगम है एम्प्लॉयज का, हम एम्प्लॉयज राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट में जो राइट हमें कानून ने दिए उसके लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर आप सही कह रहे हैं, इसी चीज़ को इसी चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं कि सरकार एक साफ शफाफ पॉलिसी लाए, जहाँ पे रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो, जहाँ पे वेज पॉलिसी हो, जहाँ पे रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो। अगर देखिए किसी मौके में आप 50 साल तक रिक्रूट नहीं करेंगे और वहाँ पे पोस्ट वैकेंट रहेंगे, यहाँ से नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार रहेंगे, तो ये फॉल्ट सरकार की पॉलिसी का है, तो उस पॉलिसी को ठीक करने के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं।